हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज फिर से लेके आई हूँ छत्तीसगढ़िया उत्सव, जो कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उत्सव है। ये 3 दिन उत्सव लगता है और ये है यहाँ का छत्तीसगढ़िया डागा बाजा, और भी बहुत सारे हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। 15 राज्य से यहाँ पे सारे आए हैं अपना नृत्य दिखाने के लिए। ग्राम में तो इसमें बहुत सारे कपड़े के हैं, जो कि एक से कपड़ा है और घर सजाने वाली चीज़ सब, जैसे कि आदिवासी ये सारे बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे हाथ में पहनने वाला, गला में पहनने वाला और सर पे लगाने वाले मोर के पंख, तो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। और सारे रेशम के साड़ी मिलेंगे आपको, जैसे साड़ी चाहिए उस टाइप के साड़ी यहाँ पर मिलेंगे। और 2000 से सारे साड़ी का रेट स्टार्टिंग से है, 2000 रुपये लगेंगे से स्टार्टिंग रेट है यहाँ पे। तो चलिए मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि रेशम की साड़ी कैसे बनते हैं और किस तरह वो तैयार होते हैं और कौन से कीड़े से वो तैयार होते हैं, वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे भीड़ लगे हुए हैं और ये सारे ऊपर हैं जो कीड़े हैं सारे, जो कि रेशम से बनते हैं। और ये देखिए सारे कीड़े, इसी से यही कीड़े से वो रेशम बनते हैं, तो उसी की साड़ी तैयारी होती है। ये देखिए साड़ी है जो कि कुछ लेडीज़ देख रही हैं यहाँ पे, ये सारे हैं रेशम की साड़ी, जो कि उस कीड़े के धागे से ही धागे निकलते हैं और फिर उस धागे को साड़ी बनता है। और यहाँ पे भी देखिए मैं और कुछ दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको ले चलते हैं। यहाँ पे साड़ी बुनाई होती है, 3 से 4 दिन लग जाती है साड़ी बुनने में। और फिर ये साड़ी, ये वाली कौन सी साड़ी है? 2000 से स्टार्टिंग है ये साड़ी बुन भी रहे हैं लाइव, यहाँ पे सब दिखाया जा रहा है। तो ये देखिए वो लाइव साड़ी बुन रहे हैं और सब लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे। अब आ गए हैं हम खाना खाने, तो हम खाएंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ी खाना, जो कि छत्तीसगढ़ी खाना भी है और बाकी सारे खाना भी हैं। जैसे कि वो लोग को आदिवासी जो होते हैं ना, वो अपने अपने व्यंजन लाते हैं यहाँ पे, बेचते हैं और लोग खरीद कर खाते भी हैं यहाँ पे। दीदी के साथ खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ, आइए हम पकड़िए हम मोबाइल। सारे आए थे डांस करने के लिए। ये मतलब क्या है, बड़ी? हाँ। अच्छा, और ये कौन सा पिठा है? ये पिठा अनरसा, जो आरसा बोलते वही है? हाँ, इसमें तीन लोग नहीं डाली है ना? तीन इसमें थोड़ी रहता है, खून नहीं रहता है तीन। अच्छा, कितने का दे रही है? इसको 20 का 3 देते हैं मीठा। हाँ, अब मैं ले चलती हूँ आपका। ये है अचार सारे और ये है महुआ का चटनी, मैंने फर्स्ट टाइम ये सारे देखा हुआ है। और यहाँ पे महुआ का लड्डू है ये पैकेट में जो है, और महुआ का चाय भी है यहाँ पे। तो ये देखिए,
तो हम लोगों की भाषा में महुआ बोलते हैं यहाँ लोग, बस्तरिया भाग बोलते हैं इसे, जो कि महुआ को कुछ ऐसे बोलते हैं शायद। तो ये है लड्डू और ये है चाय, जो कि 10 रुपये में है। तो लड्डू 5 रुपये की और चाय 5 रुपये की है। चलिए हम ट्राई करते हैं और इसका फीडबैक आपको बताते हैं कि कैसा लगता है। मैंने फर्स्ट टाइम चाय पिया महुआ का, लड्डू खाया है। लड्डू ना स्वाद में मीठा नहीं था वो। और ये रहा चाय, बिना स्वाद लॉन्ग लॉन्ग टेस्ट अच्छा था इसका। अब फिर अब चलते हैं, ये मिलट्स सारे चीले थे, तो देख सकते हैं मिलट्स कैफे हैं, जहाँ की आपको केक मिल जाएगा और सारे तरह के चीले मिल जाएंगे, जैसे कि बाजरा का चीला हो गया, रागी का चीला हो गया। तो ये बहुत टेस्टी था, पता नहीं चल रहा था कि हम दूसरे कुछ आटे के हम डोसा खा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग भी रहा था खाने में ये। तो ये देखिए हमारा डोसा, और फीलिंग बहुत अंदर से अच्छा था। और ये देखिए छत्तीसगढ़ी व्यंजन ये है सारे, जो कि मूंग बड़ा है और कितने तरह के पीठा हैं, और बहुत सारी जगह ये डोसा काउंटर भी लगे हुए थे। तो ये बन रहा था रागी का डोसा। अब मैंने यहाँ पे जो जो खाने का सारा काउंटर था मैंने दिखा दिया है, और बाकी सब जो सिमिलर जो मिलता है आइसक्रीम और रबड़ी वही सब था, और जो कि यूनिक था आप लोगों के लिए मैंने वही दिखाया था, और मैंने वही खाया भी था। देखिए यहाँ पे सारे मिलेट्स के केक भी मिले थे, और यहाँ पे पानी पूरी का काउंटर लगा हुआ था जो कि वो यूनिक था, और यहाँ पे ये डांस हो रहा था। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। बाबू का जाने फोटो खींचेगा, आ जाओ भैया। अब ये देखिए ये है रेशम के धागा, और ये है देखिए पेड़ों में कीड़े लगे हुए हैं। कीड़े भी बहुत अच्छे चमकीले थे, देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। कीड़े बड़े बड़े हो गए थे, और जो मैंने आपको दिखाया था वो छोटे छोटे साइज के थे। और ये सारे हैं रेशम जो इस तरह हैं, कुछ डब्बे में भरे हुए हैं। और देखिए कीड़े को लग रहा है ना कि बहुत अच्छा सजाया गया है, वो बहुत अच्छा शाइनिंग कर रहा था, देख सकते हैं आप कीड़े। और यहाँ पे ये कपड़ा पहना ही रहा था, जो कि साड़ी एक साड़ी को कम से कम 3 दिन लगा देते हैं बुनने में, एकदम साड़ी बुन रहे थे। ये वही साड़ी है, बहुत हल्का है, 3000 की है ये साड़ी। और देखिए इसका साइन कितना अच्छा आया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये साड़ी और कलर इसका। ये कोसा सिल्क, कोसा सिल्क क्या सब अलग अलग रेट है, ये 2800 है, 3600 है, सारे ऐसे 2800 चल रहे हैं। रोको तुम देखो सब लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे चढ़ने के लिए, देखो
चलो देखो जो जो अंकल को दे।